बोट क्लब के सचिव नीरज श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी दी है। विकास निरंतर हो रहे हैं और विकास के क्रम में ये कानपुर में ये गंगा नदी में बोट क्लब बनाया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजना रही। 1970 के दशक में गंगा नदी कानपुर से खिसक के उन्नाव की तरफ शिफ्ट हो गई थी और 2005 में जो गंगा बैराज बना है तो गंगा नदी वापस कानपुर के शहरी तट पर आई। नदी का प्रभाव हुआ और सबसे पहले ये वहाँ पे एक कल्पना हुई कि यहाँ पे एक बोट क्लब या जल क्रीड़ा सेंटर बनाया जाए। उसी क्रम में इसका प्रस्ताव KDA से स्वीकृत करवा के और ये परियोजना पे काम होना शुरू हुआ। 2016 में इसकी फंडिंग स्वीकृत हुई, अंततः ये 2022 में बनके आज तैयार है और ये प्रदेश में अपने किस्म का पहला बोट क्लब और जल क्रीड़ा सेंटर है। बेसिकली इसका उद्देश्य जो नियमित आने वाले पर्यटक हैं उनको तो बोटिंग और एक नैना विराम दृश्यावली गंगा के बीच में उनको मिल सकें, ये तो उद्देश्य था ही। साथ में इसका एक बड़ा उद्देश्य है कि वाटर स्पोर्ट के सेंटर के रूप में डेवलप करना, कि नदी किनारे के जो हमारे रहने वाले आबादी हैं इनके बच्चे बड़ी छोटी उम्र से ही नदी में निडर होकर कूदते हैं, तो क्यों ना इनको शिक्षा दे के इनको ओलंपिक स्टैंडर्ड पे जल क्रीड़ा के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जाए। तो एक ये इसको ये एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी इस पर है मुख्य उद्देश्य में कि जल क्रीड़ा का सेंटर बनाया जाए। साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाना इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानपुर का बोट क्लब ये अपना प्रचारित हो और कानपुर ही नहीं प्रदेश ही नहीं देश के बाहर भी लोग इसको यहाँ जाने। और आज यहाँ पे बोटिंग की सुविधाएं तो उपलब्ध है और एक कैफेटेरिया भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। बहुत ही अच्छा उमदा अनुभव था, बहुत बढ़िया लगा और दो बार किया हम लोगों ने और अच्छा है। अपने कानपुर और अपने आसपास के जो छोटे शहर हैं तो कानपुर में ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है कि छोटा मोटा के पिकनिक स्पॉट है, तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग एक्सप्लोर करते हुए यहाँ तक आए। गोवा जैसी फीलिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा लगा। गोवा गए नहीं है लेकिन बट गोया जैसा ही लग रहा कि वहाँ ही गए हम लोग। बोटिंग करके तो बहुत अच्छा लगा, एडवेंचर राइड थी एकदम। गोवा तो मैं गई नहीं हूँ पर हाँ वैसा कुछ सिमिलर सा एक्सपीरियंस है।